चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, लेट्स सी। सेल्स बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉट। सेल्स बुक का टोटल कम हुआ है, ये किधर जाता है? सेल्स अकाउंट में जाता है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो क्रेडिट कम हो गया तो क्रेडिट कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट 1000। डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस। ठीक है, सिंपल है। अगला ट्रांजेक्शन है, गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ग्रीन एंड कंपनी ने वापस किया है, मतलब हमने उनको बेचा होगा। बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? ये ग्रीन एंड कंपनी, ध्यान दीजिएगा, सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। ठीक है ना, इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, कितना? 1500, दैट सिंपल। ठीक है, अगला है, गुड्स परचेस्ड वर्थ ₹2500 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से, मैं बिल्कुल आराम से ऐसे ही बता दे रहा हूं बिना आपको राइट रॉन्ग रिवर्स के। देखिए, हमने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? गुप्ता से। ठीक है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस टू गुप्ता। गुप्ता के अकाउंट को क्या करना था? क्रेडिट। क्या कर दिया? डेबिट। ध्यान देना, फिर कह रहा हूं, गुप्ता एंड कंपनी को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। क्या कर दिया? डेबिट। तो गुप्ता एंड कंपनी को जो हमने गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट करो। गलत किया है ना, डेबिट। डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो जो डेबिट किया उसको उठा के क्रेडिट करो, एक गलती वो। दूसरी, जो क्रेडिट नहीं किया उसको भी क्रेडिट करो। ये दो गलतियां होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट भूल जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर कह रहा हूँ, हमारी एंट्री है परचेजेस टू गुप्ता एंड कंपनी, तो गुप्ता एंड कंपनी को हमको करना चाहिए था क्रेडिट। ठीक है, तो नहीं किया तो कर दो। और जो गलती से डेबिट किया है उसको भी सुधारना है, उसको भी कैसे सुधारेंगे? क्रेडिट करके। तो दो दफा क्रेडिट होगा, मतलब आपका डबल क्रेडिट होगा। तो व्हाट शुड बी द एंट्री? एंट्री शुड बी सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी 5000। 5000 नहीं दिमाग काम करता, राइट रॉन्ग रिवर्स करो, मगर ये आपको बनना चाहिए। अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि आपको बिना राइट रॉन्ग रिवर्स के इस तरह के ट्रांजेक्शन बिल्कुल बनने चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनने चाहिए। ठीक है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वर्थ ₹10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। कैसे? देखो, करेक्ट एंट्री क्या है? फर्नीचर टू गुलाब एंड कंपनी। ठीक है, कितना? 10,000। आपने गलती से परचेज बुक में लिख दिया, मतलब आपने लिख दिया है परचेजेस टू गुलाब एंड कंपनी, कितना? 10,000। ठीक है, ये आपकी रॉन्ग एंट्री, इसको मैं चलिए रिवर्स करता हूँ, क्या हो जाएगा? गुलाब एंड कंपनी टू परचेजेस। ठीक है, तो इसको 10,000, 10,000 गुलाब एंड कंपनी क्रेडिट है, डेबिट है, कैंसिल हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू परचेजेस। वैसे भी पता चल रहा था हमको। कैश रिसीव फ्रॉम ए ₹2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कैश मिला ए से, एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ए के अकाउंट में क्रेडिट होना था, नहीं किया तो टू ए अकाउंट। फिर कह रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ए के अकाउंट में हम क्या करते हैं? पोस्टिंग भी करेंगे तो ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय कैश, नहीं किया तो टू ए अकाउंट कर दो ₹2500। डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा सस्पेंस। ठीक है, तो यहीं पे खत्म होता है ये क्वेश्चन भी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।